गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग ऑलरेडी रेडी हो चुका है और हम लोग जा रहे ट्रिप के लिए। कहाँ जा रहे हैं ना जा रहे सब डिटेल्स में बोलेंगे धीरे धीरे। तो ऑलरेडी बैग हम लोग सेट कर चुका है, आगे हम लोग पानी का बोतल और एक हैंड बैग ले चुके हैं। तो चलिए ट्रिप शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, ऑलरेडी बारिश शुरू हो चुका है और कहाँ जा रहे हैं हम बोलेंगे। उससे पहले अभी रेंज दिखा रहा है 491 किलोमीटर और माइलेज तो अभी दिखा रहा है 5.7 किलोमीटर पर लीटर, क्योंकि अभी गाड़ी आइडल पे ही था। ऑलरेडी हम लोग रूट मैप सेट कर चुके हैं और हम लोग अभी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। गाइज हम लोग निकल पड़े हैं ट्रिप के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं शांति निकेतन, जो हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ की जी की बर्थ प्लेस है। तो ये लगभग मेरे घर से 161 किलोमीटर तो दिखा रहा है, मतलब आना जाना मिला के 320 किलोमीटर और साथ में थोड़ा घूमना फिरना भी रहेगा वहाँ पे। 30-40 किलोमीटर हम पकड़ ले रहे हैं। ये एक वीकेंड ट्रिप है, हम और मेरा जो दोस्त है अर्जुन, जिसको मैंने दिखाया थोड़ा देर पहले, ये रहा बंदर। तो हम लोग क्या ना कि अपना अपना लाइफ में थोड़ा, मतलब क्या रोज का एक ही टाइप का डेली रूटीन में फ्रस्ट्रेट हो गया, तो चलो कहीं जाते हैं। तो हम लोग घूमने निकल गए। पर मेन जो चीज़ है, जिस टाइम पे हम लोग जा रहे हैं अभी, ये सही टाइम नहीं है। मतलब अभी वहाँ पे अलग लेवल का गर्मी रहेगा, मतलब कोलकाता में ही अभी 40 डिग्री चल रहा है, वहाँ पे हम देख लिया 44-45 चल रहा है। बट चीज़ क्या ना कि बहुत दिन नहीं गया था घूमने के लिए और अर्जुन भी कभी नहीं गया शांति निकेतन, तो हम लोग निकल पड़े। दोस्तों हम लोग ऑलरेडी विद्यासागर सेतु की टोल टैक्स क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम लोग कैरी रोड पे हैं, मतलब सातरागाछी कैरी रोड। कोलकाता से अगर कहीं पे भी निकलना है, मतलब टूवर्ड्स बॉम्बे की साइड हो गया, मतलब साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ जाएं कहीं पे भी, तो हम लोग को कैरी रोड होके ही हाईवे पकड़ना पड़ता है। तो कैरी रोड पे अभी जैम है, अच्छा खासा जैम है, क्योंकि अभी बज कितना रहा है 6:26, तो 7-8 बजे तक तो ट्रक का थोड़ा लाइन रहेगा। तो फिर देखते हैं, एक बार हम हाईवे पकड़ ले तो फिर उतना चिंता नहीं है, क्योंकि फिर तो गाड़ी चलेगा अपने से। और अभी अगर मैं बोलूं माइलेज कितना मिल रहा है, तो 13.3 दिखा रहा है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट डानकुनी टोल टैक्स के करीब, और हम लोग का जो प्लान है कि हम लोग आजादीन ढाबा, जो बीपीसीएल पेट्रोल पंप है, बीपीएल पेट्रोल पंप के वहां पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे। तो अभी तक ये प्लान है, डानकुनी टोल टैक्स सामने सामने है, थोड़ा जैम है यहाँ पे क्योंकि रास्ते पे थोड़ा काम हो रहा है। बट एक चीज, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे बॉम्बे एक्सप्रेसवे से थोड़ा बहुत बेटर कंडीशन का रोड है, क्योंकि इसमें उतना गड्ढे नहीं है, बट ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। बट बॉम्बे में क्या, बॉम्बे वाला रास्ते पे क्या ना, वहाँ पे गड्ढा बहुत है बट ट्रैफिक नहीं है, तो कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है। की बोल अर्जुन? सही बात। तो अभी हमको लगभग 18 के करीब माइलेज मिल रहा है, 479 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, और यहाँ पे हम लोग को लगभग 152 किलोमीटर और जाना है, और टाइम हो रहा है 7:02। हम लोग राइट वाला रास्ता नहीं लगेंगे, हम लोग सीधा निकल जाएंगे, क्योंकि राइट वाले रास्ते वाया सिटी के अंदर से जाएंगे, मतलब जो डानकुनी सिटी जो बोल सकते हैं, तो वहां पे टोल तो अवॉइड हो जाएगा पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग सीधा निकल जाएंगे। और ऐसा कुछ ट्रैफिक है, अच्छा खासा ट्रैफिक है, और मेरे पीछे एक जीप मेरिडियन भी है, एक अनकॉमन गाड़ी जो कोलकाता में कम दिखता है। अपना आई10 थार से कम है के? है?
थोड़ा ऑफ रोड सारा सस्पेंशन टेस्ट भी हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे सफारी गोल्ड एडिशन लेके खड़ा है और हम जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, टियागो है भाई, टियागो थार को उलट दे रहा है भाई, अपना तो आई-10 है। ये थार टियागो से दूर रहना है भाई। तो भाई लोग हम लोग पहुंच गए डानकुनी टोल टैक्स और हम लोग है एक्स्ट्रा वाइड रस्ते पे, क्योंकि यही सबसे खाली था और सब यही आ रहा था। और पीछे वाला ट्रक ड्राइवर मेरे को थोड़ा थोड़ा हल्का सा गाली देगा अभी। चल चाय पियेंगे थोड़ा। अपने चाय तो छात्र दो बंद हो। अबे चाओ बाबू चो। अरे अपडेट दे देता हूँ, हम लोग ऑलमोस्ट 2 घंटा से ड्राइव कर रहे हैं, 55 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुके हैं, रेंज है 464 किलोमीटर और माइलेज है 20.3 किलोमीटर पर लीटर। तो अभी अर्जुन बैठ के मैप सेट कर रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं आजरीन धाबा जो भारत पेट्रोल पंप के अंदर है। ये क्या है ना कि अगर मैप पे अगर नहीं सेट करेंगे ना तो क्या रास्ते के ऊपर नहीं है तो तुरंत निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ ढाबा था। तो अब थोड़ा खाएंगे अंदर। गाड़ी का हालत बहुत ही गंदा है, कुछ कुछ लोगों को देख रहा हूँ गाड़ी धुलवा ले रहे हैं यहाँ पे, पर मेरा मन नहीं है तो वहीं चले। ट्रिप के बाद एक बार मैं गाड़ी डिटेलिंग पे दे दूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरा प्लान है गाड़ी डिटेलिंग पे देने का। तो देखेंगे, चलिए अंदर जाते हैं, भूख लग रहा है बहुत तेज। तो ऐसा कुछ एम्बियंस है, हम लोग अलग से एक केबिन ले लिया है और वहाँ पे बहुत भीड़ है इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। तो क्या बड़े यहाँ पे आराम कम्फर्टेबली है और पार्किंग का भी कोई झमेला नहीं है एकदम, बट धूप अभी आ रहा है हल्का हल्का की। तो क्या लेगा सोचा है, हम तो आलू पराठा ही लेगा मेनली सोचा है। पराठा किधर है? पराठा किधर है? पराठा निकाल। लोग अभी खा पी के निकल रहे हैं पूरा पूरी, थोड़ा लैपटॉप में ट्रांसफर भी कर ले रहा था क्योंकि मोबाइल का थोड़ा स्पेस भर गया था। और एक चीज अच्छा हुआ कि ये लोग गाड़ी खुद से ही साफ करके दिया। तो ये रहा माइलेज का स्टेटस 20.6, क्योंकि गाड़ी थोड़ा आइडल पे रखा था हम लोग। और हम लोग अभी जर्नी स्टार्ट करेंगे, अभी और हॉल्ट लेने का कोई मन नहीं है, अभी टान टान चलेंगे एकदम डेस्टिनेशन तक। और थोड़ा एसी भी चलाना पड़ेगा, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो हम लोग अमर कुटीर वाले रास्ते पकड़ लिया है जो कैनाल रोड है, और राइट लेके यहीं पे हमारा होटल होगा। ये है हम लोग का होटल जहाँ पे हम लोग रहेंगे, शांति कुंजो गेस्ट हाउस। Your destination is on the left. अब इसका एंट्री कहाँ गया वो रहा। ये है अपना डेस्टिनेशन। हम लोग अपने एस्टीमेट टाइम से 2 घंटे लेट। तो गाइस हम लोग अभी रूम पे पहुंच गए हैं, हालत बहुत ही खराब है, हम लोग अपने एस्टिमेटेड टाइम से 2 घंटे लेट है। चलो मैं एक बार रूम टूर दे देता हूं, फिर आगे की बातें होता रहेगा। तो ये अपना मोरलेस रिसोर्ट या गेस्ट हाउस जो है रहने वाला है, ये थोड़ा ओपन स्पेस टाइप का है। वो है अमर कुटीर वाला रास्ता जिस रास्ते से हम लोग आए, और उधर पे है पार्किंग और हम लोग ग्राउंड फ्लोर में हम लोग का रूम है। तो रूम कुछ इस तरह है, इस रूम के लिए 1500 रुपये लिए वो लोग। अरे यार, एसी है, थोड़ा सा कवर स्पेस है
और इतना कुछ बड़ा रहेगा रूम, बेडरूम, बेड काफ़ी बड़ा है तीन जन के लिए, और ये टीवी पंकज टीवी, और इस रूम, इस होटल में हम पहले भी आके रहा है, तो ये वाला टीवी ना ऑन करने से नमस्ते पंकज बोलता है, मेरे घर पे ब्राविया है वो मेरे को नमस्ते नहीं बोलता है। और ऐसा कुछ बाथरूम रहने वाला है, साफ सुथरा है, मोरालेस शांति कुंजो गेस्ट हाउस। तो ये है शांति कुंजो गेस्ट हाउस, मेरा हालत देख ही सकते हो, एकदम हालत खराब हो चुका है मेरा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग पे जब ये पूरा जगह हम लोग घूमेंगे, अभी हम लोग थक चुके हैं, अभी हम लोग फ्रेश होंगे, ओके हम लोग लंच के लिए जाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे। चलिए टाटा।